इंदौर के भवरकुआ से लेकर तेजाजी नगर चौराहे तक निर्माणाधीन सड़क का काम तेजी से जारी है। इसी कड़ी में निगमायुक्त द्वारा अधिकारियों के साथ दौरा किया गया। इस दौरान आने वाले मानसून से पहले काम पूरा करने के निर्देश दिए गए। सड़क के निर्माण में आने वाले लगभग सभी अतिक्रमणों को हटाया जा चुका है। इंदौर नगर निगम द्वारा भवरकुआ से लेकर तेजाजी नगर तक बनने वाली फोर लेन सड़क के निर्माण को लेकर निगम आयुक्त द्वारा दौरा कर उचित दिशा निर्देश दिए गए। मीडिया से चर्चा में निगम आयुक्त का कहना था कि इस सड़क का निर्माण कई दिनों से निलंबित था और अब इसका निर्माण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस सड़क निर्माण से यातायात काफी सुलभ किया जा सकेगा। कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट में एनएच की तरफ से ये रोड नगर निगम ने टेक ओवर किया है और इसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ये रोड भवरकुआ से तेजाजी नगर को जोड़ेगा। बहुत ही लंबे समय से इस रोड की डिमांड चल रही थी क्योंकि ये शहर का एकमात्र ऐसा रोड था जिसके निर्माण कार्य लंबे समय से अपेक्षित था। काम शुरू हुआ है, काम की तैयारी हम लोगों ने की हुई है। इसमें कुछ हम लोगों को यूटिलिटी शिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ रही है जिसमें वाटर सप्लाई की लाइन्स हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, उनकी शिफ्टिंग का काम भी शुरू हो चुका है। सभी जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो लाइंड अप हैं। कुछ जो पेड़ों का रिलोकेशन होना है, ट्रांसपोर्टेशन होना है, वो भी हम लोगों ने अपनी प्लानिंग कर ली है। तो आगे तैयारी ये है कि मॉनसून से पहले जो दो नए लेन, चार नए लेन, बेसिकली दो लेन इस तरफ और दो लेन उस तरफ जो हम लोगों ने प्लान किए हुए हैं वो मॉनसून से पहले लाइंड अप हो जाए ताकि मॉनसून में काम हैम्पर ना हो और बीच का जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट करके सीधे ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं हो रही है। ये ज़रूर है कि दोनों लेन का जब काम हम लोग दोनों तरफ शुरू कर रहे हैं ट्रैफिक बीच में से चलता रहेगा। तो तैयारी यही है कि आने वाले दिसंबर से पहले हम लोग ये काम पूरा का पूरा ख़त्म कर लें और मॉनसून में भी ये काम हैम्पर ना हो, इसकी तैयारी मॉनसून से पहले कर। मैम, इंक्रोचमेंट को लेकर क्या करने के लिए किस तरीके की प्लानिंग? अच्छी बात यह है कि इस रोड में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट रिमूवल हम लोगों को नहीं लगना है और जो इंक्रोचमेंट हैं थोड़े बहुत वो बहुत ही अस्थाई प्रकार के हैं। टीन टपरे या लोगों ने अपनी दुकानों के आगे जो स्ट्रक्चर्स आगे बढ़ाए हुए हैं, शेड्स बढ़ाए हुए हैं, उस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं जो हम लोग रिमूव करते जाएंगे। और जैसे ही रोड का निर्माण किसी भी इंक्रोचमेंट की वजह से प्रभावित नहीं होगा, रोड का स्ट्रेच जैसे ही किसी स्ट्रक्चर के आगे जाएगा उसको हम लोग तत्काल रिमूव करेंगे। और यहाँ की पूरी टीम से, व्यापारियों से, सभी से चर्चा और निरीक्षण भी पूर्व में हो चुका है। तो उद्देश्य ये है कि ये रोड मॉनसून से पहले शेपअप हो जाए और दिसंबर से पहले ख़त्म हो जाए। सड़क में वाटर लाइन सहित तमाम तरह की सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि मानसून आने से पहले यह कार्य पूर्ण किया जा सके। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।